आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आपके रीतिकालीन काव्य, रीतिकालीन काव्य में केशवदास। केशवदास में आज हम पढ़ेंगे रावण अंगद संवाद। रावण अंगद संवाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। तो रावण अंगद संवाद में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं कि यानी जैसे मान लो इसके लगभग 9 वीडियो हैं, इनमें से 6 व्याख्या के हैं, 3 प्रश्नोत्तर के वीडियो हैं। यानी केशवदास के लगभग 9 वीडियो आपको मिलेंगे। इनमें से 9 वीडियो का अर्थ है कि जैसे मान लो अलग यूनिवर्सिटी जैसे एमडीएसयू के लिए भी है, उनके भी इसमें आएंगे। एमजीएसयू है, उनके भी आएंगे। यानी जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज है उन सभी यूनिवर्सिटीज के चैप्टर जो है आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे रावण अंगद संवाद है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए है, आपके जैसे पीडीयूएसयू के लिए है, और भी कई यूनिवर्सिटीज है जिनमें रावण अंगद संवाद जो दिया गया है, तो उनके लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप इनको अच्छे से देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज के मिल जाएंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी का नहीं मिलता है तो आप निश्चित रूप से मुझे लिखिएगा, मैं अवश्य ही अपलोड कर दूंगा। तो ये रावण अंगद संवाद, रावण की सभा में जब अंगद जाता है, उससे पहले हनुमान जी जाकर आ जाते हैं, रावण को यानी एक तरह से विचलित करके आ जाते हैं। और ये हरिगीति का छंद में है। हरिगीति का छंद आप जानते हैं, 28 मात्राएं होती है जिसमें 16 और 12 पर यति होती है, ये आप जानते हैं। और ये आपके मात्रिक छंद है जिसमें सम मात्रिक छंद कहा गया है। तो सबसे पहले रावण संवाद करता है किससे? आपको व्याख्या करते समय आपको क्या करना है, प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर आपको उसमें से जो विशेष लगता है वो लिखना है। तो आपको प्रसंग में तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के रावण अंगद संवाद से लिया गया है। इसमें रावण और अंगद के बीच में हुए संवाद का बहुत ही मार्मिक चित्रण, मार्मिक वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में आपको करना है, जैसे रावण पूछता है, कौन हो पठाय सु कौन या तुम है कहे काम है। रावण उनसे 3 प्रश्न करता है। कितने? 3। कहता है कि तुम कौन हो, तुमको यहां किसने भेजा है, और तुम यहां किस काम से आए हो। कौन हो, पठाय सो कौन, अर्थात तुम हो कौन, किसने आपको भेजा है, तुम यहां किस काम से आए हो। तब अंगद उत्तर देता है कि जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। तब वो क्या कहता है, 3ों प्रश्नों का जवाब देता है कि मैं वानर जाति का हूं, लंका के नायक विभीषण का दूत बनकर के आया हूं, अंगद मेरा नाम है। लंक नायक यहां पर विभीषण का नाम है। रावण कहता है, कौन है ये बांध के हम देह पूछ सबे दही। तब रावण एक और प्रश्न पूछता है कि पर ये बताओ कि वो कौन था जिसको बांधकर हमने उसकी देह और पूंछ को जला दिया था। कौन है ये बांध के हम देह पूछ सबे दही, अर्थात जिसको बांध करके उसकी देह और उसकी पूंछ को जला दिया था। तब अंगद कहता है कि लंक जार सहारी अक्ष गय सुत था बात कही। उसने कहा कि हे रावण, क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो, यानी उसने तो आपकी लंका जला करके अक्षय कुमार को मार डाला था, क्या ये बात झूठी थी, क्या उसने ये बात वृथा कही है। तो इससे इन लाइनों का अर्थ ये होगा। इसमें आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार है, कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है, और इसमें संवाद कौशल दृष्टि में है, और हरिगीति का छंद में लिखा हुआ है। अगला आप लिखिए, फिर उनसे कौन पूछता है, तब वहां पर उपस्थित जो महोदय है वो कहता है, कौन भांति रही तुम, कहां तुम, राज प्रेषक जानिए, लंका लाए गयो जो वानर कौन नाम बखानी। उसने कहा कि यहां पर लंका को जलाकर जाने वाले उस वानर का क्या क्या नाम, किसने किसने बताया। मेघनाथ जो बांधियो वही मारियो बहुधा तब, यानी जिसने मेघनाथ ने जिसको बांधा था उसी ने सभी को मार दिया, अर्थात तो इन कईयों को अक्षय कुमार को मार दिया। लोकलाज दुरो रहे अति जानिए ने कहीं अब, यानी लोकलाज और दूर छोड़ करके ये जानिए। अंगद कहता है कि लोकलाज दूर रहे अति जानिए न कहीं अब, यानी उन्होंने लोकलाज और अपने स्वामी की आज्ञा नहीं होने के कारण उन्होंने ज्यादा चमत्कार नहीं दिखाया। तब आगे प्रश्न करता है, कौन के सुत, आगे प्रश्न करता है कि कौन के सुत बाली के वे कौन बालिन जानिए। तब वो अंग रावण पूछता है कि तुम किसके पुत्र हो, तो वो कहते हैं मैं बाली का पुत्र हूं। तो वो राजा रावण कहता है कि बाली कौन है, फिर कहता है काक चापी तुम्हें जो सागर साप नाथ बखानी। अरे तुम भूल गए हो, बाली वही जिन्होंने अपनी काख में रख करके
और जिन्होंने तुम्हें अपनी बगल में दबा करके सातों समुद्रों का स्नान किया था, यानी कांक चाप तुम्हें जो, अर्थात जिन्होंने अपनी बगल में दबा करके जिन्होंने सातों समुद्रों का स्नान किया था। यानी कहा जाता है कि रावण जब दिग्विजय करता करता उधर से पहुंचा तो वहां क्या है कि बाली जो है वो सूर्य उपासना कर रहा था और वहां उसने उसे छेड़ा, उसे जिसे उठाना चाहा, लेकिन क्या है कि उस सूर्य की उपासना कर रहे थे उसमें भंग ना पड़े, इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि उसे पहले अपनी पूंछ से बांध करके अपनी बगल में दबा लिया, दबा करके फिर सातों समुद्रों पर स्नान करके और उसके बाद उसे खोला था। तो उसने कहा कि है कहां वह वीर अंगद देवलोक पता है। उसने कहा कि फिर रावण ने कहा कि फिर वो कहां है। अंगद ने कहा कि वो वीर तो देवलोक चले गए। क्यों गए देवलोक क्यों गए? रघुनाथ बाण विमान भेंट सिधाई, अर्थात भगवान श्री राम के वायुयान रूपी बाण पर बैठ करके, अर्थात उनके बाण से प्राण त्याग करके वो स्वर्ग को प्राप्त कर गए। इसमें आप जानते हैं आपके जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और यहां पर अंगद का वाग वैदग्ध्य जो है वो देखने लायक है। यानी रावण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अपने पिता के बारे में भी वो पूरी सच्ची सूचना देता है, और यहां पर जो है संवाद सौष्ठव है वो बहुत ही सुंदर है। अगला प्रश्न आगे कौन करता है, वो आगे कहता है लंक नायक को विभीषण देव दूषण है, लंक नायक को विभीषण देव दूषण कोद है, मोहि जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवित को कहे, मोहि को जग मारी है द्रुभुति तो ही जानिए, कौन बात पठाइयो करी वीर बेगी बखानी। उसने कहा रावण और अंगद का संवाद में रावण के रावण प्रश्न करता है कि और अंगद उत्तर देता है, तो रावण पूछता है कि स्वयं को तुम जिससे लंक नायक का दूत कहते हो वह लंक नायक कौन है। लंक नायक को अर्थात जिसको आपने कहा कि मैं उसे लंका के नायक का दूत हूं, तो कौन? उसने कहा विभीषण देव दूषण को दहे। तब वो क्या कहता है कि वह विभीषण जो देवताओं के शत्रु रावण को जलाता रहा है, अर्थात उन्होंने कहा कि वो विभीषण जो देवताओं के शत्रु रावण को जलाता रहा है उसी का नाम विभीषण। और उसने कहा कि मेरे जीवित रहते हुए ऐसा कौन होगा, ऐसा कैसे होगा, मोही जीवित हो ही क्यों, अर्थात मेरे जीवित कैसे होगा, जग तो ही जीवित को कहे। तब अंगद क्या कहता है, यानी आपको जीवित कौन कहता है, अर्थात तुझे जीवित कौन कहता है, तुम तो मरे हुए हो। उसने कहा कि मोही को जग मारी है, मुझे जंग में कौन मार सकता है, मोही को जंग मारिए मुझे जंग में कौन मार सकता है। तो उसने कहा दुर्बुद्धि तौर ये जानी, अर्थात तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण तुम मारे जाओगे, कौन बात पठाइयो अर्थात तुम्हारी दुर्बुद्धि मारेगी तुम्हें, शीघ्र ही ये बताओ कि तुम्हें उसने किस लिए भेजा है, कौन बात पठाइयो किस लिए भेजा है, करी वीर वेग बखानी, अर्थात हे वीर मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहां इस लंका में आपको यहां पर क्यों भेजा है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे जग जीवित का देव दूषण है इसमें आपके अनुप्रास अलंकार है और वही छंद है और प्रश्नोत्तर छंद में बात लिखी हुई। अब सवैया आ जाता है, सवैया में अंगद ही कहता है, क्या कहता है, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो एकन काहु हयोजु, सागर को मद झार चिकार त्रिकूट की देह बिहारे गयोजु, सी निहार सहारी के राक्षस शोक अशोक नहीं दियोजु, और अक्ष कुमारी मारी के लंकई जारी के नीक जात भयोजु। अब यहां पर क्या कहता है, यहां पर अंगद कहते हैं कि हे रावण तुझको भी अपनी हीनता का ज्ञान हुआ, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो एक न काकू हुई, अर्थात तुम्हें भी अपनी हीनता का ज्ञान हुआ, श्री राम जी का एक अकेला वानर आया था उसने उसे तुम मार नहीं सके, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो एक, यानी हे रावण तुम्हारी इस लंका में भगवान राम का दूत एक वानर यहाँ आया था और आप में कोई भी इसको कुछ भी नहीं मार पाए, सागर को मद झारे चकारी त्रिकूट की देही बिहारे गयो, अर्थात समुद्र को अपनी अन्न उल्लंघनता का घमंड था, समुद्र ये जानता था कि मुझे कौन छेक सकता है, अर्थात मुझे कौन पार कर सकता है, उस घमंड को उसने नष्ट किया, उसने घमंड को नष्ट कर दिया और गरज गरज कर त्रिकूट भर में विहार कर गया,
सीता का पता लगाकर राक्षसों को मारकर, अशोक वाटिका को उजाड़ कर, अक्षय कुमार को मारकर, लंका को जलाकर सही सलामत लौट गया। यानी सीए निहार सहारे राक्षस, यहां पर सीता का पता लगा करके, राक्षसों को मार करके, अशोक वन को उजाड़ करके, अक्षय कुमार मारे के तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारे के, लंक जारे के लंका को जला करके, नीक ही जात भयोज, अर्थात जो है वो बिल्कुल सही सलामत लौट गया, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। क्या इन बातों से तुम्हें ये नहीं समझ पड़ता कि तुम्हारा बल वैभव कुछ भी नहीं रहा, तुम्हारा बल वैभव है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो यानी यहां पर आपके इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और इसमें आपके हनुमान के बल का वर्णन इसमें किया गया है, इसमें आप लिख सकते हैं। और यहां पर जो है अंगद की बहुत ही, अंगद की जो संवाद योजना है बहुत ही सुंदर दृष्टव्य है। अगले पद में अंगद कहते हैं कि राम राजान के राज आए यहां धाम तेरे महाभाग जागे अबे, देव मंदोदरी कुंभ कर्णादि दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सबे, राखिये जाति को पांति को वंश को गोत्र को साधिये लोक प्रलोक को, आने के पापरो देश में कौशल आसु ही ईश सता चली लोक को। आगे वो क्या कहते हैं कि अंगद रावण से कहते हैं कि हे रावण, राजाओं के भी राजा तुम्हारी नगरी लंका में आए हैं। राम यानी क्या कहते हैं, राम राजान के राज आए यहां धाम तेरे महाभाग जागे, अर्थात राजाओं के भी राजा राम जो है तुम्हारी नगर में आए हैं, तुम्हारा तो भाग्य उदय हो गया है। राम राजान के राज आए यहां, अर्थात राजाओं के राजा जो है भगवान श्री राम यहां पर आए हैं, तो तुम्हारा तो भाग्योदय हो गया है। देवी मंदोदरी कुंभ कर्णादि दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सबे, अर्थात अपनी पटरानी मंदोदरी से, अपने भाई कुंभकर्ण से, जितने भी तुम्हारे हितेशी मित्र मंत्री है उनसे पूछो ये मेरी सलाह उचित है कि नहीं, अर्थात मैंने कहा है कि भगवान श्री राम यहाँ आए हैं तो वो तुम्हारा भला है, तो आप अपनी पत्नी जो पटरानी है मंदोदरी उससे पूछो, अपने भैया कुंभकर्ण से पूछो, आपके जो हितेशी मंत्री मित्र है उनसे पूछो कि वो आपके लिए कितना हितकारी है। आगे वो कहते हैं कि तुम अब भी राखिए जाति को पांति को वंश को गोत्र को साधिए लोक प्रलोक को, यानी अब भी तुम अपनी जाति पांति वंश गोत्र परिवार के लोगों की रक्षा करो। राखिए जाति को पांति को, अर्थात जाति पांति वंश और गोत्र उनकी रक्षा कर सकते हो, परिवार लोगों की रक्षा करो, अपने लोक और प्रलोक को सुधार लो, साधिए लोक प्रलोक को, अपने लोक प्रलोक को सुधार लीजिए कि मृत्यु के बाद में तुम कहां जाने वाले हो। आने के पां पर देश ले और तुम मेरा कहना मानो, अब भी सुनो, राजा राम को सादर अपने घर लाकर के समस्त राज्य राजकोष और सीता को समर्पित कर लो। आने के पां पर और राजा को अर्थात भगवान श्री राम के पाए पड़ जाओ, देश ले कोशल आसु ही ईश सीता चली लोक को, यानी उन्होंने कहा है कि समस्त राज्य राजकोष सीता को समर्पित करके उनके चरणों में गिर पड़ो, भगवान राम सीता जी को लेकर शीघ्र ही अपने घर लौट जाएंगे, यानी तुम्हारा अहित नहीं करेंगे, तुम्हारा हित ही करेंगे। तो अंगद रावण की समयचित सूचना है और राम राजन के राज मित्र मंत्री को परो, इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसमें यमक अलंकार भी है। अगला देखिए, अगले में क्या कहता है रावण, देखिए रावण कहता है कि लोक लोकेश जो ब्रह्मा रचे आपनी आपनी शिव सो सरहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांच यह वेद बानी कहे, ताही ब्रह्म ब्रूभंग ही देव देवश देवेश शु विष्णु ब्रह्मादि देव रुद्रज सहारे, और ताही हां छोड़ी के पाए काके परूं, आज संसार ते पाए मेरे परे। आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो रावण कहते हैं कि समस्त लोक और लोकपालों के सहित जो जो वस्तुएं ब्रह्मा जी ने सोच समझ करके बनाई है, लोक लोकेश शू जो ब्रह्मा रचे आपनी आपनी शिवा सोच है, अर्थात ब्रह्मा जी ने जो वस्तुएं बनाई है सोच समझ कर बनाई हुई है, वो सभी वस्तुएं अपनी अपनी सीमा में रहती है, सीमा सो रहे, ठीक है। चार ही बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, और उन्होंने क्या कहा है कि चार भुजा वाले विष्णु इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, ये सत्य वेदों द्वारा प्रतिपादित है। चार ही बाह धरे विष्णु रक्षा कर,
चारों भुजाओं के धनी भगवान विष्णु है, वो इस संसार की रक्षा करते हैं, ये बात सच है, ये वेदों में लिखी हुई है। ताहि भ्रूभंग ही देव देवशेषो। आगे वो लिखते हैं कि अन्य देवताओं और इंद्र के साथ विष्णु ब्रह्मा आदि को शिव अपनी भ्रकुटी टेढ़ी करके तनिक से क्रोध से ही नष्ट कर देते। ताहि भ्रूभंग देव देवशेषो विष्णु ब्रह्मा आदि देव रुद्र से है, अर्थात वो कहते हैं कि अन्य देवताओं और इंद्र के साथ विष्णु ब्रह्मा इनको सभी को शिव जी क्या कर सकते हैं, अपनी थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी करके इनको थोड़े से क्रोध से नष्ट कर देते हैं, और वे ही मेरे इष्ट देव है, अर्थात मैं शिव का भक्त हूं, मैं शिव का भक्त हूं, तो ये विष्णु मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ताही हाँ छोड़ के पाए काके पड़ू, आज संसार के पाए मोरे पड़े, अर्थात उन शिव जी को छोड़ करके मैं दूसरे के पैरों कैसे पड़ू, पैर नहीं पड़ सकता, फिर आज तो समस्त संसार मेरे ही पैरों पड़ता है, अर्थात मैं किसके पैरों पड़ू। रावण ये कहता है कि मैं शिव का भक्त हूं, और शिव जो है अपनी टेढ़ी नजरों से समस्त देवताओं का नष्ट को नष्ट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु इनको नष्ट कर देते हैं, तो मैं उनका शिष्य हूं, तो मैं उनके पांव नहीं पड़ूंगा। अगले में वो क्या लिखते हैं देखिए, अगले में लिखते हैं कि राम को काम कहां रिपुजीत ही, मदिरा सवैया है, बहुत ही सुंदर सवैया है। राम को काम कहां रिपुजीत ही, कौन कबे रिपुजीत्यु कहां, बाली बलि छल सो प्रभु नंदन गर्व हरियो द्विज दीन महा दीन सुचोचित छत्र हन्यो बिन प्राण न है ये राज कियो है ये कौन यह विस्मय यह विषय जिन खेलत ही तुम बांध लियो। मदिरा सवैया है, इसमें क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि रावण ने पूछा है कि राम ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जो उनके पैरों में, राम को काम कहां अर्थात राम ने कौन सा काम किया है, रिपुजीत ही कौन कबे रिपुजीत कहे, अर्थात ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जो उनके पैरों पर। तो अंगद ने उत्तर दिया कि वे शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, रिपुजीत ही अर्थात वो शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, कौन कबे रिपुजीत कहा। रावण ने कहा कि कब और किस शत्रु को उन्होंने जीता है, सबसे पहले राम को काम कहा अर्थात किस कारण में राम के पैरों पड़ू, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने दुश्मनों को जीता है। तब रावण ने कहा कि कौन कबे अर्थात कब इन्होंने कब जीता था, बताइए हमें कि इन्होंने इस दुश्मन को जीता था। अंगद कहता है शक्तिशाली बाली को जीता है, बाली बली अर्थात बाली को जीता है। तब अंगद क्या कहता, उस रावण कहता है, रावण कहता है कि बाली को तो धोखे से पराजित किया था, यानी बाली बली उसने कहा कि बाली को जीता है, छल सू उन्होंने कहा कि छल से जीता है, भृगुनंदन गर्व हरियो तब उन्होंने कहा कि भृगुनंदन जो परशुराम जी थे उनका गर्व हरण किया है, उसने कहा ध्वज दीन महा। अंगद ने पुनः कहा कि परशुराम का गर्व हरण किया है, फिर कहते हैं कि वो तो बेचारा अत्यंत दीन ब्राह्मण है, उसका तो क्या कर सकते हैं, उसका तो गर्व हरण कोई भी कर सकता है। अंगद कहते हैं कि दीन सु क्यों अर्थात वो दीन कैसे वा छिति छत्र हन्यो बिन, अर्थात वो दीन कैसे वा जिन्होंने इस पृथ्वी को छत्रीहीन किया था, समस्त क्षत्रियों का संहार कर दिया था, फिर छिति छत्र हत्यो बिन प्राणन है राज की, और फिर वो कहते हैं उसी ने है राज को मारा था, है राज जो राक्षस था उसी को परशुराम ने मारा था। तब रावण ने पूछा कि कौन है राज कौन था, तब अंगद कहता है कि भूल गए वही है राज जिसने तुम्हें खेल खेल में बांध लिया था, हे वह विषय जिन खेलत ही तो ही बांध लिया था, वही है राज जिसने तुम्हें खेल खेल में ही बांध लिया था, उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें देखिए आपके अनुप्रास अलंकार भी है, और इसमें जो है प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ है, इसके अलावा मदिरा सवैया है। आगे देखिए अंगद क्या कहता है, अब देखिए बहुत ही सुंदर है, सबसे जो सुंदर जो मेरा जो फेवरेट है वह है कि सिंधु तरियो उनके बनरा तुम पे धनुग्रेख गई न तरी, बानर बांधत सो न बंधो उन वारी दी बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जानी पड़ी, तेल हो तूल हो पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। इसमें क्या लिखा है, राम का बंदर रावण कहते हैं, अंगद कहता है सिंधु तरियो उनके बनरा हाथ उनके वानरों ने तो समुद्र को पार कर लिया, तुम ते धनुरेक गैंदर तुमसे तो वो एक धनुष द्वारा अर्थात लक्ष्मण द्वारा खींची गई, धनुष से खींची गई, बाण से खींची गई वो रेखा भी पार नहीं हुई, अर्थात लक्ष्मण द्वारा धनुष से खींची गई रेखा को भी तुम पार नहीं कर पाए,
वानर बांधत सोन बंध्यो। आपने उस वानर को बांधने की बहुत कोशिश की लेकिन वो वानर आपसे नहीं बांधा, कुनवारी थी बांध के बात करी। और भगवान श्री राम ने तो उस समुद्र को बांध करके भी वहां पर रास्ता बना लिया था, अर्थात अपना मार्ग बना लिया था। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जानी पड़ी। हे दशकंठ रावण, अब भी तुम्हें भगवान श्री राम के प्रताप की बात मालूम नहीं है, अर्थात तुम्हें भगवान के प्रताप की बात तुम्हें मालूम नहीं है। तेल हूं तूल हूं पूछ जरी न जरी, अर्थात आपके जो ये राक्षस और जो थे मंत्री जो थे, उन्होंने तेल और कपास से राम के दूत हनुमान की पूंछ जलाने की कोशिश की लेकिन उनकी पूंछ नहीं चढ़ी। जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी, अर्थात आपकी जो सोने से जटित लंका है वो उसको जला डाला। तो आपको इसमें एक तो यमक अलंकार है, जरी न जरी लंक जराय जरी, एक तो यहां पर यमक अलंकार है और आपके इसमें अनुप्रास अलंकार है और इसके अलावा वीरता का अत्यंत कलात्मक वर्णन इसमें किया गया है। अगला देख लीजिए, अगले में क्या लिखा है। अगले छंद हम शीघ्र ही पढ़ेंगे, तब तक लिए नोई छंद पढ़ेंगे। अगले छंद है वो जल्दी ही पढ़ लेंगे और उनका अनुवाद भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।